तुमको आ गए ना मेरे को? नहीं आए? न्यूमेरिकल आ गए तीनों? करे नहीं, आ नहीं रहे? लिखे फोरियर सीरीज फॉर डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फोरियर सीरीज ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, फोरियर सीरीज ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लेट द फंक्शन, चलो बच्चों बात ना करो, लेट द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एस एफ एक्स बराबर एफ वन एक्स एक्स ग्रेटर देन सी स्मॉलर देन एक्स नॉट। बच्चों बात ना करो, ग्रेटर देन एक्स नॉट तो f1x है जो x है, चलो भाई शांत हो जाते, देखो x इज ग्रेटर देन c स्मॉलर देन x नॉट। x इज f2x, x इज ग्रेटर देन x नॉट स्मॉलर देन e प्लस टू पाई, प्लस टू पाई x नॉट वेयर एक्स नॉट इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन द इंटरवल इंटरवल c, c plus 2 pi x
इन सच केस इन दिस केस ए नॉट बोलो सी प्लस टू पाई ई लिख गए इधर तो सी प्लस टू पाई है ए नॉट की वैल्यू वन अपॉन पाई सी एक्स नॉट एफ वन एक्स डी एक्स नॉट सी प्लस टू पाई एक्स डी एक्स F 2x dx an 1 upon pi c 2 f 1x cos nx dx x naught plus 2 pi f 2x cos nx nx dx इसी तरीके से बी एन जो सीरीज में कांस्टेंट आते वन अपॉन पाई सी टू एक्स नॉट एफ वन एक्स साइन एन एक्स एक्स नॉट टू सी प्लस टू पाई एफ टू एक्स cos nx ये आपका आया बी एन बी एन इफ एक्स बराबर एक्स नॉट द पॉइंट ऑफ फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी If x बराबर x नॉट नॉट इज द पॉइंट ऑफ फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी finite discontinuity then the sum of
सम ऑफ द फूरियर सीरीज सम ऑफ द फूरियर सीरीज वन बाई टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स नॉट माइनस एच एफ फाइव नंबर न्यूमेरिकल लगा लो, फाइव वाली की फोटो खींचो, बस एक लगा लो, फोर छोड़ो, हाँ इसमें कॉस आता, उसमें दोनों में कॉस आते, इसमें एक में साइन एक में कॉस आता. फोर नंबर फाइव नंबर वाला न्यूमेरिकल लगा लो, इधर दे दो, फोर नंबर छोड़ दो, तुमने करे क्या के न्यूमेरिकल आए थे, जल्दी करो, दूसरा भी टॉपिक शुरू करना है. हाँ बता रहे हैं, एक न्यूमेरिकल की फोटो खींच लो, फाइव नंबर की, देखिए फोरियर सीरीज फॉर डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लेट द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज, एफ एक्स के पास देखिए दो फंक्शन है, एक एफ वन एक्स है और एक एफ टू एक्स है, एक एफ वन एक्स है और एक एफ टू एक्स है. एफ वन एक्स कब है, जब एक्स की वैल्यू सी से बड़ी है और एक्स नॉट से छोटी है, मतलब आपकी इस वाले रीजन में है, ठीक है, तो इस वाले रीजन में एफ वन एक्स है, जब एक्स नॉट से आपका क्या है, एक्स नॉट से आपका छोटा है, और सी एक कांस्टेंट लिया, यहाँ सी वो नहीं है, सी एक कांस्टेंट लिया, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो सी से बड़ा, ठीक है. अब हमने एफ टू एक्स ये वाला फंक्शन लिया है, जब आपने x का मान x नॉट से ज़्यादा माना और कोई वैल्यू होगी कांस्टेंट जो लिया c प्लस टू पाई से कम रहेगा, ठीक है, इसके बीच का फंक्शन है. फंक्शन जो है वो वाला c नहीं है, वो तो एक पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, एक कोई c कांस्टेंट ले लिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. अब x नॉट इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ये x नॉट जो है डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन द इंटरवल सी और सी प्लस टू पाई, सी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, अब न्यूमेरिकल में करोगे तो अलग अलग वैल्यूज देगा, सी प्लस टू पाई.
अब ए नॉट यहाँ पर क्या होगा, वन अपॉन पाई सी टू एक्स नॉट एफ वन एक्स डी एक्स सी प्लस एक्स नॉट टू सी प्लस टू पाई एफ टू डी एक्स एफ टू एक्स एफ टू इज द फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ये आपको फॉर्म, ये तो ए नॉट हो गया सीरीज में, कैसे जैसे सीरीज होती है एफ एक्स ए नॉट बाई टू, ठीक है। फिर क्या आता है जनरलाइज ए एन कॉस एन एक्स और बी एन साइन एन एक्स। फिर आपका ए एन की वैल्यू वन अपॉन पाई, वन अपॉन पाई सी टू एक्स नॉट एफ वन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एक्स नॉट टू सी प्लस टू पाई एफ टू एफ टू एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। फिर बी एन ले लीजिए वन अपॉन पाई सी टू सी टू एक्स नॉट एफ वन एक्स साइन एक्स डी एक्स छूट गया साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। और एक्स नॉट टू सी प्लस टू पाई एफ टू एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, उसमें साइन नहीं आएगा, है ना। अब इफ एक्स बराबर एक्स नॉट, मतलब उस डिसकॉन्टिन्यूटी वाले पॉइंट पर एक्स बराबर, तो आपको जो ये न्यूमेरिकल लगाना है तो उसमें ये वैल्यू याद कर लीजिए ए नॉट ए एन और बी एन, ठीक है। और इन्हीं पे आपको कैलकुलेशन सीरीज को निकालना होता है, ये है। अब देखिए इफ एक्स बराबर एक्स नॉट इज पॉइंट ऑफ फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी, ये पॉइंट है फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी का ये वाला, ठीक है। फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी देन सम ऑफ द फोरियर सीरीज वन बाई टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स नॉट माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है। मतलब आपका कोई h का वेरिएशन हम ले रहे हैं, मान लीजिए यही h हाइट का ही मान लिया उस पॉइंट पर, तो एक्स नॉट माइनस एच ये और एफ एक्स नॉट प्लस एच लिया, अब h टेंस टू जीरो कर दिया, ठीक है। तो ये है एक्स नॉट माइनस एच और ये है एक्स नॉट प्लस एच, ये आपको क्या देगा एफ बी, ये वाला देगा एफ बी यहाँ तक का और ये वाला देगा एफ सी यहाँ तक का, वो हमने लिख दिया, ठीक है। ये है आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिए लॉन फोटो खींच लिए, बी एन वाले में पहला वाला साइन एक्स आएगा, दूसरा वाला और हम सो पूछ के आएंगे स्वीट सर से पूछ के बताएंगे न्यूमेरिकल पांचवें नंबर की। हम पढ़ा देंगे सर, स्वीट सर क्या है ना कि हम खुद बता दे रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में काफ़ी चीज़ें अंतर हैं, मैथ की नहीं है सब, तो हम तुमको तुम लोग बंद काय कर दिए। अब जल्दी जल्दी ख़त्म करा दे रहे हैं 10-15 दिन के अंदर। ओहो बस बस क्षितिज के पास पता है, पांचवा कर लो। यार मच्छर बहुत लग रहे हैं, अगरबत्ती ले आओ वहां से नीचे से, मच्छर बहुत है इधर, हाँ तुम चले जाओ, तुम बहुत दर्द, और चाय के लिए बोल दो। बस बस एक न्यूमेरिकल, उधर वाले तीन न्यूमेरिकल ले लो। है फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेंगे जल्दी से, बस करा रहे हैं, पहले ये जरा से जल्दी खींच दे।
जल्दी लिखिए, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। ये तो बता दो, ये बोल दे मच्छर वाली अगरबत्ती, वो ऐसी अगरबत्ती दे दे। हाँ, नहीं तो अलाउड ले आओ। Even function, odd function. Even ऐसा इवन फंक्शन। मिली? हाँ, ये जला दो, माचिस हो उधर देखो, इधर जला के स्टैंड ले आओ, स्टैंड ले आओ। माचिस है उधर? तो ऊपर से माचिस ले लो, प्रदीप सर के पास उधर वाले में है, प्रदीप सर के ऊपर है, है माचिस लो। ए फंक्शन एफ एक्स सेट टू बी इवन फंक्शन, फंक्शन इवन फंक्शन। कहाँ लगा दियो? इधर लगा, इधर रखो, इधर मच्छर इधर ही है, मच्छर भागे। मैं बस यही रख दूँ यहाँ पे, बस ये यही मच्छर घूम रहे हैं। चलो बात ना करो,
ऑड फंक्शन ऑड फंक्शन हाँ भेज रहे हैं आशुतोष जाओ जल्दी से पानी भी ले हाँ आ रहे ऐसे ऐसा भी हो सकता है पानी तो यार दिए नहीं हम खुद पी लेते हैं क्या कह रहे हो नाथ सेम है तुमको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा देंगे इतना देखो वो वहां पे पीक है उसका वो पीक उधर चला जा रहा है बहुत बड़ा अंतर है काय की किस चीज की फोटो न्यूमेरिकल की क्या काफी रंजन कुमार रंजन को वही है काफी अंतर है वो पीक भी उसी पे है फिगर तुम्हें अच्छा लग नहीं रहा फोटो दे देते हैं अभी अगर इस फॉर्म में बनता तो ये फिगर देखो हो सकता बुक से सही आए देखो देख लो उसको वो यूनिफॉर्म है ना जहाँ पीक है वो बिल्कुल एकदम आइडियल पीक है